अनुभव पसी निर्देशक बासु भट्टाचार्य की 1971 की हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसमें संजीव कुमार, तनुजा और दिनेश ठाकुर है। सारी सेटिंग में विवाहित कला पर बासु भट्टाचार्य की आत्मनिरीक्षण तराई की पहला भाग थी, जिसमें आविष्कार और गृह प्रवेश शामिल थे। 1972 में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीताओ का एक चलन शुरू हुआ था, जिसे बाद में मुख्यधारा सिनेमा में भी अपनाया। यह फिल्म गुलजार के गीतों के साथ संगीत निर्देशक कानू रॉय द्वारा रचित पश्व गायिका गीता दत्त के बेहतरीन गीतों जैसे मेरी चांद, मुझे चांद ना कहो, कोई चुपके से आके और मेरा दिल जो मेरा होता है। गीता सेन और अमर सेन की शादी को कई साल हो गए हैं। अमर का व्यस्त कार्यक्रम के कारण दंपति के बच्चे नहीं थे, क्योंकि अंतराकात के समय नहीं था। अमिता मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला करती है, नौकरी से छुटकारा पाती है, हरी को बचाती है और खुद पर चलने का फैसला करती है। इससे जोड़े करीब आते हैं और अंततः वे अतरंग हो जाते हैं। और फिर मिता की पुरानी लौ शशि भूषणा न केवल मिता के जीवन में फिर से प्रवेश करती है, बल्कि अमर के साथ उसी संगठन में कार्यरत हो जाती है, जिससे उनकी शादी फिर से खतरे में पड़ जाती है। एक दिन घर पर अमर और शशि अपने काम पर चर्चा करते हैं और अमर कहता है कि वह कला से कार्यकाल में शामिल हो जाएगा, क्योंकि वह अब अपने फ्लू से ठीक हो गया है। जब शशि चला जाता है तो अमर उसे अपनी पत्नी से बात करते हुए देखता है। अगले दिन वह मिता को डराने और अहंकारी लहजे में शशि को बुलाने के लिए कहता है। शशि के जाने के बाद अमर मिता से पिटता है और वह उसे अपने पिछले रिश्ते के बारे में बताती है। अमर बिना कुछ कहे घर से निकल जाता है और शशि से इस्तीफा देने के लिए कहता है। हालांकि शशि ने पहले ही अपना इस्तीफा लिखा दिया है, क्योंकि वह खुद को उनके जीवन में उथल पुथल का कारण मानता है। यह जानकर अमर कहता है कि अतीत हमारे भी तभी आता है जब हम वर्तमान को पूरी तरह से नहीं जी पाते हैं। घर पहुंचकर अमर पिता को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह मनोरंजक अंदाज में बात टालती है और कहती है कि वह समझ गई है और कहती है कि वह समझ गई है कि वह समझ गया है। फिल्म उनके एक दूसरे को गले लगाने के साथ समाप्त होती है।